शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवान हाशमी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम मंगल को रियाज में मुस्तकबिल में सरमायाकारी के इम्कानात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों को लेडी हेल्थ वर्कर्स को 15 रोज में तनख्वाहों और बकायाजात की अदायगी की हिदायत की है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के बायस तूरखम और चमन के मकाम पर पाक अफगान सरहद बंद रखने का फैसला किया है। आज अबूजैबी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 373 रन से हरा कर 2 मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खसूसी दावत पर मंगल को रियाज का दौरा करेंगे, जहां वो मुस्तकबिल में सरमायाकारी प्रोग्राम के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सहरा में डेवोस नामी कॉन्फ्रेंस में मुमताज कारोबारी शख्सियात, सरमायाकार, बड़ी कारोबारी कंपनियों, हाईटेक इंडस्ट्री और ज़राए इब्लाग के अहम इदारों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने आज एक बयान में कहा कि वजीर आजम इमरान खान कॉन्फ्रेंस के पहले रोज के सेशन में शिरकत करेंगे, जिसमें वो आइंदा 5 साल के लिए पाकिस्तान में इक्तसादी और सरमायाकारी के मौके के अलावा मुल्क के विजन को उजागर करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि आबी जखायर की तामीर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। पानी के लिहाज से महफूज पाकिस्तान के उन्वान से आज सुपहर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा बैन अल-अक़वामी सिंपोजियम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुदरत हम पर बहुत मेहरबान है और उसने हमें पानी समेत हर तरह के कुदरती वसाइल अता किए। ताहम गुज़िश्ता कई साल के दौरान बढ़ती हुई आबादी और मजीद आबी जखायर की अदम तामीर से पानी के मौजूदा जखायर पर दबाव शदीद हो गया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि पानी जिंदगी है और मुल्क को आबी किल्लत से बचाने के लिए अंतक कोशिशों की जरूरत है। आज तीसरे पहर इस्लामाबाद में आबी किल्लत से महफूज पाकिस्तान के मौजू पर दो रोजा आलमी सिंपोजियम की इफ्तिताही नशस्त से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी से ही जिंदगी है और इंसान खुराक के बगैर रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बदकिस्मती से गुज़िश्ता 40 साल में मुल्क में डैम और आबी ज़खायर तामीर करने में कोई ठोस कोशिशें नहीं की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों को लेडी हेल्थ वर्कर्स को 15 रोज में तनख्वाहों और बकायाजात की अदायगी की हिदायत की है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस्लामाबाद में मुकदमे की समाअत की। अदालत को बताया गया कि विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को तनख्वाहें अदा कर दी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान वजीर खारजा सलाहुद्दीन रब्बानी को टेलीफोन किया और उनसे गुज़िश्ता रोज़ कंधार में दहशतगर्दी के हमले में 3 सीनियर अफगान रहनुमाओं की हलाकत पर ताज़ियत की। आज दफ्तर खारजा के एक बयान में कहा गया कि वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ है। शाह महमूद कुरैशी ने यादा किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और वह खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के हुसूल में अफगानिस्तान के साथ काम जारी रखेगा। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में अमन और इक्तसादी तरक्की अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल बहाली से बराह रास्त मुंसलिक है। उन्होंने अफगान वजीर खारजा को अफगानिस्तान के जमहूरी अमल में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर पाक अफगान सरहद के चमन और तूरखम राहदारी मकाम पर दोस्ती गेट बंद रखने का फैसला किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने एक बयान में कहा कि दोनों सरहदी गुजरगाहें अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर बंद की गई हैं। तर्जुमान ने कहा कि यह फैसला अफगानिस्तान में इंतखाबात के खुश उसलूबी से इनकार में तआवुन के लिए किया गया है। अफगान इलेक्शन कमिश्नर्स ने ताकतवर मकामी पुलिस सरबराह के कत्ल के बाद कल जनूबी सूबे कंधार में पार्लिमानी इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ दी है। यह तजवीज़ अमल दरामद के लिए कौमी सलामती कौंसिल से मंजूर कराना जरूरी होगी, जिससे इंतखाबी अमल को शदीद धचका पहुंचेगा, जो तकनीकी और इंतजामी मसाइल के अलावा सिक्योरिटी खतरात के बायस पहले ही बेयकीनी का शिकार है। आज अबूजैबी में पाकिस्तान ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 373 रन से हरा दिया। स्कोर ये रहा, पाकिस्तान 281 और 400 रन, 9 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स खत्म करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया 145 और 164 रन।
پاکستان نے دو میچوں کی سیریز 1-0 سے جیت لی ہے. محمد عباس کو میچ میں 10 وکٹیں لینے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا. ان کی بہترین بالنگ نے انہیں مین آف دی سیریز کا ایوارڈ بھی دلایا. اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk.